हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाची की अलबेली रसोई। आज की हमारी रेसिपी है मटका कुल्फी। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेड 3-4 स्लाइस, शुगर, मिल्क, फ्रेश क्रीम, इलायची, रू अफ़ज़ा, पिस्ता, बादाम और काजू। लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक मटका कुल्फी। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करेंगे। इसके बाद हम ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस करेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। जार में 8-10 बादाम डालेंगे। पांच से छह पिस्ता और काजू। और शुगर। अब इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कट की हुई ब्रेड की स्लाइस। यहां मैंने 1 कप मिल्क लिया है, अभी मैं 1/2 कप ही यूज करूंगी। और ये फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं या बाहर की भी ले सकते हैं। ये इलायची पाउडर। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और जो बचा हुआ मिल्क है इसको हम इसी में डाल देंगे। और अब मैं डालूंगी 2 अफ़ज़ा, या मैंने 4 स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। अगर आपको रू अफ़ज़ा नहीं डालना है तो आप केसर का भी बना सकते हैं। अब हम यह मटके लेंगे। मटका भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें फॉइल लगाएंगे और फॉइल से अच्छे से पैक करेंगे। आप इसमें रबर बैंड भी लगा सकते हैं। टाइटली पैक करना है।
फ्रीजर में रखेंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 8 से 10 घंटा। देखिए हमारी मटका कुल्फी एकदम अच्छे से जम के तैयार हो गई है। आइए अब इसको गार्निश करते हैं। इसमें मैं पिस्ते को स्प्रेड कर रही हूँ, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।